इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की ओर से ऐलान किया गया कि आज यानी 9 अप्रैल को ईद उल फितर का चांद देखा जाएगा। ऐसे में अगर आज शाम को चांद का दीदार होगा तो ईद 10 अप्रैल को मनाई जाएगी, नहीं तो पूरे मुल्क में 11 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। इसके अलावा इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने नमाजियों से अपील करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में लोग ईदगाह में नमाज अदा करें। ईद का दिन खुशी और जश्न का दिन होता है। इस दिन आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, आपको देश की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करनी चाहिए। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर नमाज अदा करें। उन्होंने आगे कहा कि सभी नमाजियों से अपील करता हूँ कि सड़क पर नमाज ना अदा की जाए, मस्जिदों और ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाए, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो और आपको भी कोई खलल पैदा ना हो। इसके अलावा उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने की भी अपील की। आज 9 अप्रैल 2024 को इंशाल्लाह ईद उल फितर का चांद देखा जाएगा। अगर आज चांद हो जाता है तो इंशाल्लाह ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी, और वरना 11 अप्रैल को पूरे मुल्क में इंशाल्लाह ईद उल फितर मनाई जाएगी। इस मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से एडवाइजरी जारी करके तमाम नमाजियों से ये अपील की जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में लोग ईदगाह में नमाज अदा करें। ईदगाह लखनऊ में नमाज इंशाल्लाह सवेरे 10 बजे होगी, और नमाज से कबल जिन लोगों पर फितरा वाजिब है वो इस बात को ये ज़रूरी यकीन बनाएं कि ज़रूरतमंदों में फितरा ज़रूर तकसीम कर दें, जिससे कि वो भी हमारे और आपके साथ ईद की खुशियों में बराबर से शरीक हो सकें। और इस मौके पर दिल खोल करके गरीबों की मोहताजों की मदद और इमदाद करें, और ईदगाह वक्त से पहले जल्दी आ जाएं, जिससे कि अंदर सुकून से जगह मिले। और ये शरई मसला है कि जितने आप सफ़ में इमाम के पास आगे खड़े होंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब इंशाल्लाह मिलेगा। और इस बात को भी यकीनी बनाना है कि सड़क पर नमाज ना अदा की जाए, अंदर ही नमाज अदा की जाए, जिससे कि किसी को कोई दुश्वारी भी ना हो और हमें और आपको अपनी इबादत में भी कोई खलल वाक़िया ना हो। और इस मौके पर जो कि ईद का दिन खुशी का दिन है, मसर्रत का दिन है, जश्न का दिन है, अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ेदारों को एक इनाम के तौर पर ईद का दिन अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, तो इस दिन जो दुआ की जाएगी इंशाल्लाह वो ज़रूर कबूल होगी। लिहाजा अपने और अपने घर वालों के लिए दुआ करने के साथ साथ मुल्क की तामीर तरक्की और खुशहाली के लिए ज़रूर दुआएँ करें। और इस मुबारक मौके पर फ़िलिस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ करना हरगिज़ ना भूलें। आप तमाम हजरात को मैं दिल की गहराइयों से ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ।